बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में चैप्टर नंबर 6 है जी बेसिक अलजब्रिक फार्मूलाज। तो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले हम तीन फार्मूले जो कि एक्सरसाइज 6.1 में यूज़ होंगे वो मैं आपको बताता चलूँ। तो वो है ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab + b². दूसरा फार्मूला है जी ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab + b². तीसरा फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये पेज नंबर 99 बुक पे ये तीनों फार्मूले लिखे हुए हैं। तो इन्हीं फार्मूलों को यूज़ करते हुए अब हम 6.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो पेज नंबर 100 पे है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अवेल्युएट स्केयर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट है 53, यानी 53 हमें एक नंबर दिया गया है जिसका हमने स्केयर फाइंड करना है बाई यूजिंग फार्मूला। तो 53 चूँकि 50 के नियर है इसलिए हम इसे 53 को ऐसी एज इट इज़ लिखेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे। 53 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 53 चूँकि 50 के नियर है इसलिए हम इसे 50 + 3 लिखेंगे, ठीक है। उसका ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब फार्मूले के मुताबिक जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर है इसी तरह 50 + 3 होल स्क्वायर, यानी इसमें ए की जगह 50 आया हुआ है, बी की जगह 3 आया हुआ है और ऊपर होल स्क्वायर है। तीन कंडीशंस पूरी हैं तो अब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। जैसे ए स्क्वायर मतलब ए की जगह 50 है तो 50 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला इनटू ए की जगह 50 आ गया, बी की जगह 3 आ गया प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 50 का अगर स्क्वायर ले, यानी 50 के स्क्वायर से मुराद है जी 50 × 50। तो 50 × 50 2500 प्लस 250 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 300 आता है प्लस 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आएगा। अब इन तीनों को प्लस करें तो 2809 जो आंसर आता है। तो इस तरह हम 53 का स्क्वायर बाय यूजिंग फार्मूला फाइंड कर लिया।